हेलो दोस्तों, मैं हूं आपका अपना संस्कारी सुमित। आज है अपने साथ द माइटी इंडियन रेंज रोवर। अब मैं इंडियन रेंज रोवर क्यों कह रहा हूं, ये सब मतलब जितने लोग हैरियर को फॉलो करते हैं वो अच्छे से जानते हैं, और जो नहीं करते उनके लिए बता दूं, जिस प्लेटफॉर्म पे रेंज रोवर मतलब दो माइटी रेंज रोवर बनती है उसी प्लेटफॉर्म पे बनी है ये गाड़ी। जो सबसे वैल्यू फॉर मनी है वेरियंट XM वेरियंट, वो मेरे सामने है। पूरी डिटेल बताता हूँ क्या क्या डिटेल्स हैं और क्या क्या इसमें मिलने वाला है, आपको कितने की पड़ती है, हर चीज़ कवर करूँगा। करते हैं वीडियो स्टार्ट। तो ये है अपने साथ टाटा हैरियर, मतलब 20 लाख रुपए की कोई गाड़ी ऐसे ही खरीद ले आराम से, ये इस गाड़ी ने प्रूव करा है। बहुत डिमांड चल रही है इस गाड़ी की, और ख़ासकर जो हमारे पास वेरियंट है XM वेरियंट, टाटा की पूरी लाइनअप में जैसे मारुति में वी वेरियंट मतलब VXI VDI सबसे ज़्यादा सेल पर रहता है, वैसे ही जिनके पास पैसा है भाई वो तो ले लेते हैं टॉप वेरियंट, लेकिन जो बजट कंस्ट्रेंट बायर हैं उनके लिए XM वेरियंट सबसे वैल्यू फॉर मनी है। सारी नेसेसरी चीज़ें इसमें हमको मिल जाती हैं। तो शुरुआत करते हैं इसके फ्रंट से। फ्रंट आप देखो भाई, कितना ऊंचा, कितना बड़ा, चौड़ाई देखो गाड़ी की। ये गाड़ी देखने के बाद सीरियसली लगता है कि हाँ भाई हम किसी SUV में बैठे हैं। तो सबसे पहले आपको फ्रंट में मिल रहा है XM वेरिएंट में, यहाँ पर किसी तरह का हमको क्रोम नहीं देखने को मिलता, नॉर्मल ग्रिल है, मैट में है, ये देखिए ना क्रोम है ना ग्लॉसी है। बीच में टाटा का लोगो, लोगो पे क्रोम, और यहाँ पर जो हमारा ग्लॉसी फिनिश है वो दे रखी है। इसको मैं पास से भी नहीं दिखा सकता, मतलब अगर मैं पास आता हूँ तो गाड़ी पूरी एक फ्रेम में नहीं आ पाती है। उसके बाद बात करें हम इंडिकेटर्स की, तो यहाँ पर दे रखे हैं इंडिकेटर, ये देखिए ये कॉर्नर में हेलोजन इंडिकेटर दे रखे हैं, इस साइड भी आप देखिए। ये हेडलैम्प देखिए, हेडलैम्प में यहाँ पर हमको मिल जाती है प्रोजेक्टर के साथ साथ रिफ्लेक्टर यूनिट, रिफ्लेक्टर में हमें मिल रहा है यहाँ पर नॉर्मल हेलोजन बल्ब। ये है हमारे लो बीम के लिए प्रोजेक्टर, ये भी हमको मिलता है हेलोजन ही। कुछ लोग कहते हैं कि इसकी लो बीम जो है उतनी ज़्यादा सफिशिएंट नहीं है, अब आप बताना कि आपको कैसी लगती है, जो भी यूज़र हों हैरियर के, कि क्या सफिशिएंट है या नहीं। यहाँ पर हमको मिल जाता है इसका फॉग लैम्प, फॉग लैम्प भी इसके साथ कंप्लीट वर्क करता है जो सामने की रोशनी है उसको बढ़ाने के लिए। और अगर पीछे से देखें हम तो बहुत बढ़िया, इतना बड़ा हुड लगता है देखने में इसका। अभी सारी चीज़ें दिखाऊँगा, इसके बाद हम आ जाते हैं साइड प्रोफाइल की तरफ। तो साइड प्रोफाइल में आप देखिए, यहाँ हल्ला हो रहा है थोड़ा सा, इधर है वर्कशॉप, तो थोड़ा सा इस चीज़ को मैनेज करना, हम लगते हैं अपने काम पे। तो यहाँ पर हमको मिल जाते हैं व्हील, व्हील का आप साइज़ देखिए मतलब मैसिव। मैं अपने यहाँ पर देखूँ तो आप देखो मेरे बिल्कुल यहाँ पर थाई पे आ रहा है ये व्हील, इतना बड़ा व्हील है। 235/70R16 16 इंचर है, बहुत मैसिव व्हील है। पूरी गाड़ी पे यहाँ पर दिए हुए हैं, चाहे व्हील आर्चेज हो चाहे बॉडी लाइन हो, यहाँ पर देखिए पूरा ब्लैकआउट दिया हुआ है यहाँ पर, बहुत बढ़िया लगता है देखने में। और उसके बाद आता है हमारा ORVM, तो ORVM पर ही भले ही ये सेकंड मॉडल है लेकिन यहाँ पर हमको इसी में ही इंडिकेटर दे रखा है। मैं आपको ये जला के दिखाता हूँ, इंटीरियर में क्या क्या चीज़ें हैं वो भी दिखाऊंगा अभी, पहले ज़रा हम कर लें बाहर की बात है। तो ये देखिए इस टाइप का लग रहा है, यहाँ पर ये बल्ब दिख रहे हैं, इस तरह का पूरा लुक आ रहा है। और जब हम आ जाते हैं इससे ऊपर वाले वेरिएंट में तो हमको इंडिकेटर भी LED में ही दिखते हैं, जो हमारे DRL हैं इंडिकेटर की तरह वर्क करने लगती हैं। एक बार आपको लाइट भी जला के दिखा देता हूँ, टॉप मॉडल में ये आ जाती है हमारी पूरी DRL, और उसी के साथ वो जो DRL LED हैं वही वर्क करती हैं इंडिकेटर की तरह। लेकिन यहाँ पर क्योंकि XM वेरिएंट है तो XM वेरिएंट में ये हमको दे रखे हैं यहाँ पर 3 बल्ब, और इधर भी 3 बल्ब हेलोजन के बल्ब हैं, पायलट लैंप्स की तरह वर्क करते हैं, और साथ में हेलोजन के लिए इंडिकेटर दे रखा है। तो इसको हम करते हैं बंद, हाँ अब हम आ जाते हैं फिर से मिरर की तरफ। तो ये एक तरह से हमको ब्लैकआउट मिरर मिल रहे हैं यहाँ पर, ये देखिए यहाँ पर अगर ये ऊपर का वेरिएंट होता तो बॉडी कलर्ड हो जाता, ये जो फेडेड पार्ट दिख रहा है आपको ये बॉडी कलर्ड होता, लेकिन यहाँ पर ब्लैकआउट दिख रहा है। लेकिन एक पूरी थीम बन रही है क्योंकि नीचे ग्लॉसी फिनिश है, ये ग्लॉसी फिनिश हर वेरिएंट में आती है इसी तरह से। और जो हमारे डोर हैंडल है वो हमको दिए हैं बॉडी कलर्ड, इससे ऊपर के वेरिएंट्स में यहाँ पर आ जाता है क्रोम, लेकिन ये भी बहुत अच्छे लग रहे हैं। ग्लॉस फिनिश में ही यहाँ पर बी पिलर मिल रहा है, ये बहुत बढ़िया चीज़ लगी मुझे कि इसमें बॉडी कलर नहीं रखा, और साथ के साथ हमको यहाँ पर क्रोम लाइनिंग भी दे दिया है। साइड प्रोफाइल से बहुत माइनर चीज़ें हैं जिससे आप ये कह सकते हैं कि हाँ ये लोअर वेरिएंट है, देखने में बहुत बढ़िया लग रहा है। और उसके बाद आ जाता है हमारा फ्यूल टैंक, तो 50 लीटर का इसमें टैंक दे रखा है, डीजल टैंक दे रखा है। और डीजल मैं इसीलिए बोल रहा हूँ क्योंकि डीजल इंजन में आती है ये,
अभी क्या इंजन स्पेसिफिकेशन है वो भी अभी बताऊंगा। अब इसके बाद आ जाता है इसका ये हमारा रियर क्वार्टर, और ये डिज़ाइन है जिसने सबको अट्रैक्ट कराया भाई, इस डिज़ाइन के दीवाने हुए हैं लोग। यहाँ से आप देखिए रियर क्वार्टर जो ग्लास है वो यहाँ से शुरू होता है और पूरा यहाँ तक चला जाता है। ये मर्ज हो जाता है जो हमारे पीछे प्लास्टिक के पैनल्स आते हैं, यहाँ पर ये पूरा ग्लास पैनल दिया है, और ये देखिए पूरा का पूरा इस तरह से मर्ज हो जाता है रियर विंडशील्ड में। मेरा पर्सनल फेवरेट है और मेरे साथ साथ बहुत लोगों का फेवरेट व्यू है ये, इसका रियर व्यू। और ये अपनी क्लास से मतलब 10-12 साल के लिए, जैसे एक्सयूवी आई गाड़ी और वो आज तक करीब 10 साल हो चुके हैं, आज तक उसी डिज़ाइन के साथ चल रही है, बहुत ही फ्यूचरिस्टिक डिज़ाइन, ये भी उसी डिज़ाइन का हिस्सा है। और आप देखिए कितना बढ़िया यहाँ पर ब्लैक आउट पूरा का पूरा ग्लॉसी फिनिश के साथ एलिमेंट दिया है, और छोटी सी यहाँ पर ये रिवर्स लैम्प, ये डिफ्यूज पूरी की पूरी LED लाइट दी हुई है जो जलती है, और उसके बाद यहाँ पर दिया है हमारा हेलोजन में इंडिकेटर। बहुत बढ़िया चीज़ लगती है देखने में, कितना शानदार डिज़ाइन है, ऐसा नहीं लग रहा कि XM वेरिएंट है, पूरा का पूरा यहाँ से यहाँ तक ग्लॉस लुक दिया है, बीच में टाटा का लोगो। ये चीज़ अच्छी है कि भले ही पीछे डिफॉगर नहीं दिया लेकिन वाइपर ज़रूर दे दिया है हमें, ऊपर हाई माउंट स्टॉप लैम्प और उसके ऊपर पावर एंटीना, और ये देखिए छोटी सी चीज़ यहाँ पर शेर वगैरह दिए हैं, और हैरियर की पहचान एम्बलम बनाया गया है, ये नीचे हैरियर का लोगो, ये देखिए कितना बढ़िया लग रहा है। उसके नीचे मिल जाते हैं हमको 2-point पार्किंग सेंसर, और नीचे स्किड प्लेट, 2-tone नहीं है, सिंगल टोन है, लेकिन ये डिज़ाइन हुए बहुत बढ़िया लगते हैं देखने में गाड़ी के। पीछे से लुक में आपको ज़्यादा पता नहीं लगेगा कि ये नीचे का वेरिएंट है ऊपर का, मोस्टली चीज़ें कवर करी हैं, रियर लुक मैं कोई कॉम्प्रोमाइज़ नहीं करा। यहाँ पर हमें मिल जाता है वोकल फॉर लोकल का लोगो जो टाटा की पहचान है यहाँ पर, और उसके बाद फिर से हम आ जाते हैं साइड में, तो साइड के साथ अब हो जाता है इसका 360 ओवरऑल व्यू कंप्लीट। अब बाहर के बाद आ जाती है बारी इसके अंदर की, इंटीरियर आखिर है कैसा, XM वेरिएंट में हमें क्या क्या चीज़ें मिल रही हैं चलिए देखते हैं। तो डोर खोलते ही भाई सबसे पहली चीज़ कंप्लीट ब्लैकआउट हमें चीज़ें मिल रही हैं, ये देखिए इंटीरियर पूरी तरह से ब्लैकआउट है, जो एसेंट बीच में हाईलाइट करने के लिए दिए हैं वो हैं सिर्फ ये ग्लॉस सिल्वर फिनिश, उसके अलावा किसी तरह का और कलर यूज़ नहीं हुआ या ग्लॉस ब्लैक जैसे यहाँ आपको हैंड ब्रेक मिल रही है, या फिर ग्लॉसी सिल्वर, बहुत बढ़िया लग रहा है देखने में। अब बात करें हम कंट्रोल्स की, तो कंट्रोल्स में हमें यहाँ पर मिल जा रहे हैं पावर विंडोज़ के बटन, ये देखिए चारों पावर विंडो, और उसके बाद पावर विंडो लॉक करने के लिए यहाँ पर बटन, और ये हमारे पुल टाइप, ये थोड़ा सा इसको और फिनिश कर देते हैं लेकिन क्या कह सकते हैं सेकंड मॉडल है इसीलिए, लेकिन थोड़ा सा यहाँ पर ग्लॉसी फिनिश अच्छी लगती है। जो हमारे ORVM है, ORVM कंट्रोल करने के लिए यहाँ पर दी हुई है हमारी इलेक्ट्रॉनिकली एडजस्टमेंट जॉयस्टिक, इससे हम पूरे जो ORVM है वो एडजस्ट कर सकते हैं। अब बात आ जाती है सीट की, तो सीट भाई चढ़ने के लिए काफ़ी ज़्यादा उठना पड़ा, मतलब मेरी जैसी मेरी 5'5" हाइट है तो हमें काफ़ी थोड़ा सा ऊपर उठना पड़ेगा, एजेड लोग हैं कम हाइट है तो उनके लिए थोड़ी दिक्कत होगी, आपको हो सकता है फुट रेस्ट भी लगवाना पड़े यहाँ पर जो फुट बोर्ड होता है वो। अब बात करें सीट की, तो सीट की चौड़ाई उतनी नहीं है लेकिन स्कूप्स काफ़ी अच्छे हैं, आपको अच्छे से ये अंदर कंट्रोल करके या फिक्स करके रखेगी। जो हेडरेस्ट हैं यहाँ पर वो मिल रहे हैं हमको एडजस्टेबल, और साथ में मिल जा रहा है हमको यहाँ पर हाइट एडजस्टमेंट फीचर, ये देखिए हाइट एडजस्ट यहाँ पर दिया हुआ है फीचर। ये हमारे सीट के कंट्रोल्स। अब सीट के बाद आ जाती है बात क्लस्टर की, तो सीट पर हम बैठते हैं यहाँ पर, और बैठने में काफ़ी ज़्यादा ऐसा लग रहा है जैसे हाइट पर बैठा हूँ मैं, थोड़ा सा मैं करता हूँ सीट को पीछे। तो स्टेयरिंग की बात करें, टाटा का काफ़ी ज़्यादा इंप्रेसिव डिज़ाइन, में काफ़ी अच्छा लगता है स्टेयरिंग मिल रहा है, कहीं भी ग्लॉस नहीं दिया हुआ सिवाय यहाँ पर जो सिल्वर एसेंट है उसके। यहाँ पर हमको मिल जा रहे हैं कंट्रोल्स, बहुत बढ़िया, जो भी हमारे टेलीफोन है उसको यूज़ करने के लिए, और चाबी रखी है अंदर, मैं आपको एक बार इसका जो क्लस्टर है वो दिखाता हूँ। चाबी सबसे पहले देख लीजिए, चाबी यहाँ पर दी हुई है हमको 3 बटन की, डोर लॉक, डोर अनलॉक, और यहाँ पर ये फॉलो मी हेडलैम्प के लिए, फ्लिप की है, इसको लगाते हैं यहाँ पर, और यहाँ पर भी हमको छोटा सा दिया हुआ है ये देखिए गाइड करने के लिए जो की होल है उसको, तो इसको हम करते हैं ऑन, तो इस तरह का ऐसा कुछ क्लस्टर है इसका। ये देखिए क्लस्टर सिंपल एंड बेसिक लग रहा है, क्योंकि ऑब्वियसली बात है जो लोअर वेरिएंट हमारा वो है। यहाँ पर आपको बीच में मिल रही है MID, उसमें सारी इन्फॉर्मेशन मिल जाती है, ऊपर मिल रहा है यहाँ पर ये ब्लिंक करता हुआ आपको फ्यूल गेज, उसके नीचे यहाँ पर इंस्टेंट फ्यूल इकोनॉमी, बीच में आपको सारी इन्फॉर्मेशन, नीचे टेम्परेचर गेज सारी, और ये है ट्रिप और बाकी इन्फॉर्मेशन। ये देखिए आप इस तरह से इसको चेंज कर सकते हैं। इधर मिल रहा है हमको एनालॉग में जो हमारा टैकोमीटर है वो, इधर मिल जाता है हमें स्पीडोमीटर, इस तरह का पूरा हमारा क्लस्टर है। और उसके बाद हॉर्न की बात करें, तो हॉर्न मिल रहा है हमें डुअल टोन में, डुअल हॉर्न सेटअप है। और आ जाते हैं जब बीच के क्लस्टर में, तो बीच में आप देखिए
जैसा हमको टॉप मॉडल में मिलता है उसी टाइप का। टॉप मॉडल में बस हमको एक वाइड स्क्रीन मिलती है, यहाँ पर हमको मिल रही है नॉर्मल स्क्रीन, लेकिन ये भी काफ़ी अच्छी है, कोई शिकायत नहीं की जा सकती, क्योंकि हम इस समय सेकंड जो वेरिएंट है उसी में बैठे हैं और बीच का जो इंटरफेस है वो बहुत बढ़िया है। ये भी क्रोम मिल जाते हैं या यहाँ पर बीच में क्रोम का सेटअप मिल जाता है या ग्लॉसी फिनिश मिल जाती, बहुत बढ़िया लगता है। थ्रो हवा का बहुत बढ़िया है, बटन सिस्टमैटिक वे में लगे हुए हैं, देखने में अच्छा लगता है। इको मोड भी दे रखा है और स्पोर्ट मोड भी दे रखा है, दोनों मोड हैं डेडिकेटेड। आप माइलेज के दीवाने हैं तो आप ये यूज़ कर सकते हैं इको मोड, और अगर आप पावर के दीवाने हैं तो आप ये यूज़ कर सकते हैं। उसके बाद बात आ जाती है नीचे कंट्रोल्स की, ये थोड़ा सा ब्लांड जैसा लगता है लुक, ये देखिए ये ऊपर के मॉडल में यहाँ पर ग्लॉस आता है लेकिन यहाँ पर भी, और सबसे टॉप मॉडल में तो यहाँ पर टेक्सचर आता है लेकिन यहाँ पर भी कुछ ना कुछ तो करना चाहिए था। यहाँ पर मिल जाती है हमें यही टेक्सचर, ये देखिए जो सिल्वर का टेक्सचर है ग्रे टोन में वो। बाकी कंट्रोल्स यहाँ पर आपको दिए हुए हैं, एक नंबर पर भी काफ़ी अच्छा थ्रो आ रहा है, ये बढ़िया है। उसके बाद ऊपर देखते हैं हम, तो ऊपर यहाँ पर हमें कुछ नहीं मिलता है इस वाइज़र में ड्राइवर साइड के, यहाँ मिल जाता है हमें सनग्लास होल्डर, ये देखिए। उसके बाद ये मिल जाती है हमें लाइट, एलईडी लाइट है, ये बढ़िया है। और यहाँ हमें माइक मिल जाता है। इस साइड देखें हम तो यहाँ पर भी हमको कोई मिरर वगैरह कुछ नहीं मिलता। और इस तरह की हमारी रूफ़ है, रूफ टेक्सचर ग्रे कलर में है, इंटीरियर जो है ऊपर का पूरा ग्रे कलर में है, नीचे की बात करें तो पूरा का पूरा ब्लैक कलर में मिलता है। और उसके बाद नीचे स्पेस देखें हम तो नीचे हमको यहाँ पर मिल जाता है जो USB ऑप्शन है, ये देखिए, और यहाँ पर ऑक्स ऑप्शन। उसके बाद गियर नॉब आप देखो यार, कितना छोटा सा भाई, जरा सा बिल्कुल, पूरा एक जिसे कहते हैं एक बिलहंग पूरा, वो भी नहीं है, जरा सा है बिल्कुल। 6 स्पीड का इसमें गियर बॉक्स है और रिवर्स इस पोजीशन में मैं ऐसे उठा के इधर लग जाता है। और ये हो गया हमारा हैंड ब्रेक, इस तरह से ऊपर उठा के हैंड ब्रेक को यूज़ कर सकते हैं। यहाँ पर छोटा सा स्पेस दिया है, यहाँ पर स्पेस दिया है और यहाँ पर हमारे कप होल्डर दिए हुए हैं, तो अच्छा है, ठीक ठाक है। और यहाँ पर हमारा आर्मरेस्ट दिया हुआ, आर्मरेस्ट के नीचे स्पेस है या नहीं ये रहा, तो आर्मरेस्ट के नीचे स्पेस है। 12 वोल्ट का सॉकेट भी दिया हुआ है और यहाँ पर भी चार्जर दिया है कि हम कुछ भी लगा के यहीं का यहीं रख सकते हैं सामान को, ये अच्छा है। और इस तरह का हो गया हमारा फ्रंट कॉकपिट। IRVM देखें तो IRVM हमको मैनुअली एडजस्टेबल यहाँ पर मिल जाता है। अब इसके बाद चले हम पीछे की तरफ, तो ये चीज़ बढ़िया है कि यहाँ पर हमको सेफ्टी के लिए रेड लाइट दी हुई है। अब ये डोर ओपनिंग के लिए है कि कोई भी अगर डोर ओपन करता है तो पीछे आने वाले, अगर अंधेरा है या लाइट कम है, पीछे आने वाले को ये दिख जाए, डस्ट या कीचड़ मड वगैरह ज़्यादा ना आए, तो उसके लिए यहाँ पर हमको ये दी हुई है बीडिंग, जिससे डस्ट वगैरह ऊपर नहीं आती। चारों डोर में दे रखे हैं स्पीकर और स्पेस काफ़ी अच्छा है, ये देखिए कितना बढ़िया। यहाँ पर भी डीप में ग्रूव है, यहाँ स्पेस, यहाँ पर बॉटल होल्डर, आगे भी दोनों सीट्स में, दोनों डोर में इसी तरह का स्पेस है। अब चलते हैं हम रियर की तरफ, तो रियर में आप देखिए, रियर में सबसे पहली चीज़, बाकी चीज़ें वही हैं, यहाँ पर फैब्रिक का यूज़ किया गया है और मेन चीज़ है यहाँ पर डबल शेल्फ दी हुई है, यहाँ ऊपर स्पेस है, यहाँ पर ऊपर स्पेस है, ये देखिए दोनों साइड स्पेस है। यहाँ पर भी वही डार्क ग्रे कलर की शेड दी हुई है। और उसके बाद रियर स्पेस की बात करें तो बाई एम्पल ऑफ स्पेस, कितना ज़बरदस्त स्पेस है अंदर, देखिए चौड़ाई इतनी है गाड़ी की और वही चीज़ पूरी की पूरी हमें दिखती है। और यहाँ पर हमको दिए हुए हैं बैक साइड में स्पेसेस, पॉकेट्स छोटी हैं, ज़्यादा बड़ी नहीं है लेकिन ठीक है। और यहाँ पर भी हमको दे दिया स्पेस कुछ भी फ़ोन वगैरह रखने के लिए, कि रियर वाले अगर चार्जिंग पे लगाएं, जैसे नीचे अंदर सॉकेट था उसमें आर्मरेस्ट में, तो वो यहाँ पर रख सकते हैं। उसके बाद डोर वगैरह आपने देखा, जो बीच का हम्प है वो ठीक है, ऊंचा सा ही है थोड़ा, ये देखिए, और बीच में आ जाएगा लेकिन जगह काफ़ी है, लेग रूम काफ़ी है, तो वो एडजस्ट हो जाएगा। बीच में हमको हेडरेस्ट नहीं मिलता लेकिन रियर के जो हेडरेस्ट है वो भी हमको मिल जाते हैं एडजस्टेबल। और यहाँ पर भी एक लैंप दे रखा है ये रहा, और एक लैंप आगे दे रखा है, ये चीज़ सही है। कोट होल्डर हुक किसी भी जगह नहीं है, एयरबैग आगे मिल जाते हैं हमें। उसके बाद हम चलते हैं इसके बूट की तरफ, तो बूट में आप देखिए काफ़ी अच्छा खासा स्पेस दिया हुआ है, मतलब 425 लीटर का यहाँ पर हमें स्पेस दिया है। और हुक के लिए यहाँ पर ये हमको जगह दी हुई है, ये देखिए कुछ भी हम यहाँ पर हुक वगैरह टांग सकते हैं। पार्सल ट्रे साथ में मिल जाती है, ये अच्छा है, और ऑर्गेनाइज्ड बूट है, देखने में काफ़ी बढ़िया लग रहा है। इस जगह हमको यहाँ पर ये स्पेस मिल जाता है, और जो भी सामान वगैरह रखना है वो हम यहाँ से इसको निकाल के रख सकते हैं नीचे भी। तो ये इस तरह का बूट है, बूट ठीक है, एक फैमिली के लिए मोर देन इनफ है। और यहाँ पर जो पंचर रिपेयर किट है वो हमको अब टाटा जो दे रही है, वो पंचर रिपेयर किट यहाँ पर हमको मिल जाती है, ये रही। तो इस तरह का पूरा सेटअप है। अब आ जाते हैं हम इसके, जब इसका इंटीरियर हो गया, अब इसका एक्सटीरियर हो गया,
अब बात आ जाती है इसके स्पेसिफिकेशन की कि आखिर लंबाई चौड़ाई ऊंचाई और भाई ग्राउंड क्लियरेंस इंजन क्या निकाल रहा है पावर, वो सारी चीज़ें अब मैं कवर करता हूँ। उसके बाद आएगा प्राइसिंग। तो ये है इसकी इंजन बे भाई, जो इसकी जान है, और इस इंजन ने कमाल कराया लोगों को। इतनी भारी गाड़ी होने के बावजूद बहुत दीवाना बनाया इस इंजन ने। तो इंजन की बात करें, आपको यहाँ पर लिखा दिख रहा है क्रायोटेक, तो क्रायोटेक इंजन है, ट्रेडमार्क क्रायोटेक किया है, और 170 रेड कलर में हाईलाइट किया गया है। तो 168 पावर ये जनरेट करता है भाई, 1956 मतलब 2.0 लीटर का फीएट से सोर्स इंजन है ये। और फीएट के इंजन आप जानते ही हैं कि मारुति में कैसी धूम मचा चुके हैं ऑलरेडी। फोर सिलेंडर 168 bhp 3750 rpm पर और 350 nm का टॉर्क 1750 rpm पे निकालता है ये। और जो माइलेज क्लेम कंपनी करती है वो करती है 16.35 की। तो आप समझ सकते हैं इतने हैवी गाड़ी और इतना हैवी इंजन के बाद भी काफ़ी अच्छा फ्रूगल इंजन है। और जो एक्चुअल में लोग निकाल लेते हैं सिटी में करीब 10 से 12, और हाईवे पे तो मैंने ये खुद देखा है कि 15 तक लोग इससे निकाल लेते हैं अगर 80-90 यूज़ करते हैं, मोस्टली 6 गियर पे, क्योंकि 6 गियर की गाड़ी है। स्पोर्ट मोड में और इको मोड में काफ़ी ज़्यादा ड्रास्टिक डिफरेंस आ जाता है माइलेज में, लेकिन आपको जिस तरह की ड्राइव चाहिए आप उस तरह की कर सकते हैं। अब बात करें भाई इसकी लंबाई की, तो अच्छी खासी लंबी गाड़ी है ये, 4600 mm के अराउंड है, मतलब टू बी प्रिसाइज 4598 mm। और विड्थ देखें हम तो 1894 mm, मतलब 1900 mm की भाई चौड़ाई है। देखने में वाकई लगती है कि कुछ है, चौड़ी गाड़ी है। और उसके बाद जो हाइट है इसकी 1706 mm है, और व्हील बेस हुआ इसका 2741 mm। ग्राउंड क्लियरेंस की बात करें तो 205 mm का इसमें ग्राउंड क्लियरेंस है। कर वेट है करीब 1663 kg है, बहुत भारी भरकम गाड़ी है। अब गाड़ी इतनी लंबी है तो भाई टर्निंग रेडियस भी इसका 5.75 मीटर है। स्टीयरिंग चलाने में आपको काफ़ी मज़ा आने वाला है क्योंकि इसमें हाइड्रोलिक स्टीयरिंग है। अब बात आ जाती है सेफ्टी की, तो सेफ्टी में भाई कहीं भी पीछे नहीं रहने वाली। अभी हालांकि इसका टेस्ट नहीं हुआ है, लेकिन 5 स्टार नहीं तो 4 स्टार भाई कहीं नहीं गए इस गाड़ी के। 2 एयरबैग इसमें स्टैंडर्ड आते हैं इस वेरियंट में, और ABS, EBD, ब्रेक असिस्ट, ESP, इलेक्ट्रॉनिक स्टेबिलिटी प्रोग्राम, हिल होल्ड कंट्रोल, ट्रैक्शन कंट्रोल, स्पीड सेंसिंग डोर लॉक और चाइल्ड सेफ्टी लॉक, ये सारी चीज़ें इसमें आपको दी हुई हैं। सारी स्पेसिफिकेशन के बाद अब आ जाता है मेन मुद्दा, आखिर कीमत क्या है। तो इसकी यहाँ पर, मतलब मैं उत्तराखंड में हूँ, मैं आपको एक शोरूम प्राइस भी बता रहा हूँ। इस समय जो शूट कर रहा हूँ मैं वो टाटा मोटर के रुद्रपुर वाले शोरूम पर हूँ मैं। तो इसका जो एक शोरूम प्राइस है वो करीब 1580,000 रुपये करीब एक शोरूम प्राइस है, और बाकी इसमें RTO इंश्योरेंस वगैरह जुड़ के और TCS वगैरह जुड़ के आपके यहाँ आप पता कर सकते हैं। लेकिन एक शोरूम प्राइस जो XM वेरिएंट का 1580,000 रुपये है। फीचर्स, गाड़ी और सारी चीज़ें, ओवरऑल वीडियो कैसा लगा बताना ज़रूर। अगर वीडियो अच्छा लगा हो, इन्फॉर्मेटिव लगा हो, तो प्लीज़ लाइक करना, वीडियो को शेयर करना अपने दोस्तों के साथ, सब्सक्राइब कर लेना संस्कार सुमित चैनल। जय हिंद।